ध्यान दे के नहीं निकालना। 122 दिन की प्याज है और अभी पानी कल गया है ना। ऋषि भैया की प्याज है हमारे, आपने पहले भी ये देखा होगा, ये वही प्याज है जिसमें बारिश वारिश और सबका वीडियो हमने बनाया था उस समय। मुझको तो वैसी ही दिख रही है जैसी थी उस वीडियो की डेट वगैरह देखनी पड़ेगी। तो जमीन में वेरिएशन तो हर खेत में रहता है, ऊपर नीचे का तो, और कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पानी जल्दी टूटता है तो अपन उसको दे भी नहीं पाते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ फंगस घुसती है, जैसी ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये फंगस इन्फेक्टेड एरिया है यहाँ। और पानी की तान से ही फर्क पड़ता है, अगर पथरीली ज़मीन हुई तो पानी जल्दी सूखता है तो फिर पौधा अपनी जान नहीं बचा पाता है, पर जहाँ थोड़ी भारी ज़मीन होती है अंदर चलते हैं, पीछे देखेंगे। ये कुत्ते उत्ते से हुआ है कि नेचुरल है ना? तो अभी ऋषि भैया का सवाल क्या है, ऋषि भैया बताइए तो दूसरों के भी काम आ जाएगा। सर कंफ्यूजन ये है कि या तो प्याज की फसल को दिन देख के निकाल लेनी चाहिए या फिर उसके प्लांट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके निकालना चाहिए। मतलब आपका सवाल ये है कि या तो उम्र देखें हाँ, या फिर उसकी स्थिति देखें हाँ। तो दोनों ही सवाल उनकी जगह सही हैं कि उम्र और स्थिति। जैसे अगर अंदर की प्याज प्रॉपर साइज ले ली है और बाहर की ओवर साइज हो रही है तो फिर रुकने से कोई मतलब नहीं है, अपना टारगेट हो गया है पूरा, है ना। और दूसरा ये है कि ये जो गला मुड़ता है प्याज का, ये अगर ये मुड़ने लग गया है मतलब वो मैच्योरिटी पे आ गई है, ठीक है, तो फिर ओवर एक्सेस वाटरिंग करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ आधा आधा किलो का प्याज तो कोई खरीदेगा नहीं, 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 वो अनक्वालिटी होती है मार्केट में, उसका हाँ, मजे भी नहीं आते। हाँ हाँ देखिए अभी सर ये पूरा नर्सरी से अकॉर्डिंग था, ये जो ये दिख रहा है ये नर्सरी के जो छूट गए पौधे थे वो थे। देखिए कितना बड़ा प्याज है ना, तो डायरेक्ट सीडिंग का इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि डायरेक्ट सीडिंग पे ध्यान देना चाहिए कि आपके टाइम बच जाता है। मतलब ये करीब 15 दिन पहले निकलने की स्थिति में रहा होगा हाँ। है ना, और चूंकि न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर दिया है इसलिए पास पास के प्याज भी प्रॉपर बने हैं। इनको आस पास की जगह मिली उसका न्यूट्रिशन भी आया है, ये बात भी ध्यान देने की है। पर यह है कि बन गया पूरा और फंगस भी हम झेल गए, ये है कि हम पूरी तरह से निपटा नहीं पाए और हमारा उद्देश्य भी नहीं था पूरा निपटाना फंगस को। ये लौटने लग गया मतलब इसकी मैच्योरिटी आ गई हाँ, ये इतना है ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा वो, 7-8 दिन में सभी दिखने लग जाएगा। आप भोंगले कितनी बार तोड़वाए? तो इसमें तो कंटिन्यू चली है। तो वो भी मौसम बहुत जब बदलता है करवटें लेता है तो ये भोंगले वाली स्थिति तो आती है। गीला आ गया, अब आगे जा नहीं पाएंगे। तो ये है ऊपर के प्याज और अंदर के प्याज भी एवरेज साइज तो आई गए होंगे किनारे के, जब ये साइज आ गए हैं तो अंदर मैच्योर साइज तो ले ली होगी। ये है कि आप इसको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, 10-15 दिन और रुक जाएगा ये, पर वो साइज आपको देखनी है कि मार्केटेबल साइज आ गई है। प्रॉब्लम है कि आता है चलो इसको मैं स्टेबल छोड़ दूं, बाकी जब धूप जब गिरेगी हाँ, तो प्याज का कलर बिल्कुल है, पर बांडी है ना तो किनारे में आएगा पर अंदर नहीं जाएगा। अभी हरी बांडी, इसलिए तो अपन बोलते हैं कि हरी बांडी में निकालना चाहिए हाँ। इसीलिए है ना, अपने को पूरा लटका के मतलब हाँ, जैसा पका के मार के नहीं निकालना, वो टारगेट तो नहीं है, हरे में ही निकालना है। तो आप ये पानी के बाद आप जब भी भरा पाए तो आप शुरू कर सकते, मतलब मैच्योर क्रॉप अपनी पक गई, पक गई साइज आ गया आपका, और फिर ओवर साइज में क्या है ना, वो फिर कवर छोड़ देता है तो अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो सवाल था कि उम्र और स्थिति, तो स्थिति इम्पोर्टेंट है। उम्र का कैसा है कि अगर साइज नहीं आया है तो कितने भी दिन गिन लो हाँ, तो उसको लाने के लिए अपन फिर जो आखिरी के जितना टिका सके उसको टिकाना चाहिए, पर अगर आपका साइज आ गया है तो फिर भी मतलब नहीं, अपना जो टारगेट था वो अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। बढ़िया, ये वही खेत है जिसमें नर्सरी थी, नर्सरी हाँ नर्सरी थी, इसका निकाल के दूसरी जगह भी लगाया और नर्सरी में वापिस से चौपाई हुई है, बीच में अमर बेल ने कब्जा कर लिया यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ थोड़ा तो प्लॉट चाहिए हाँ। ऐसा नहीं है कि फंगस फ्री प्लॉट है, पर हम उससे जूझे, और वही रेगुलर जो आप लोगों को बोलता हूँ मैं, वही स्प्रे हुआ है
बदल हाँ। बदल के स्प्रे नहीं हुआ इसमें, मतलब रिकॉर्ड जो शुरू से लगे ना आखिरी तक सेम स्प्रे, स्प्रे में पूरा प्याज का क्रॉप पका लिया एक जैसा स्प्रे। कंफ्यूजन तो था माइंड में कि यार एक स्प्रे से कैसे क्या कैसे होएगा। थ्रिप्स भी इतनी ज्यादा नहीं है कि मतलब उसने इसको सिल्वरिंग और वो सब किया। थ्रिप्स के लिए भी स्पेशल कुछ नहीं डाला, वही जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो लोग जुड़े हुए वेक्टर से उनको पता ही होगा कि कौन से स्प्रे डलते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये स्थिति है, मतलब 120 दिन में क्रॉप इस कंडीशन में आल देखो तो रहती नहीं है। हाँ, अगर इतना ग्रीननेस 120 दिन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ, कुछ तो किया है। हाँ? और सामान्य चीजों नहीं की, वही तो के ऐसा तो कुछ नहीं, छिपाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। टेक्निकल डाला हाँ, हो हाँ। अपन ने कंपनी को यहाँ बुलाया हो, उन्होंने डेमो डाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे, कुछ भी नहीं। बाकी प्याज पैदा करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, अकॉर्डिंग उसको एक बैलेंसिंग के हिसाब से न्यूट्रिशन, उसका मेंटेनेंस और देखभाल, तीन चार अकॉर्डिंग अगर आप समय दे रहे हैं तो कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं। सही बात, ऋषि भैया को बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।